तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले फेसबुक पेज कैसे बनाएं। तो दोस्तों, फेसबुक पेज तो सभी के पास होता है, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता इसमें से इंपोर्टेंट सेटिंग कौन सा होता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और फेसबुक पेज बनाने का सही तरीका लोगों को नहीं पता होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले फेसबुक पेज कैसे बनाए। तो दोस्तों, फेसबुक पेज तो सभी लोग बना लेते हैं, लेकिन जो इसमें इंपोर्टेंट सेटिंग होता है वो नहीं आप लोग कर पाते, इसलिए आप लोग को वीडियो वायरल नहीं होता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को पूरा फुल कंप्लीट सिखाने वाला हूं, फेसबुक पेज कैसे बनाया जाता है और उसका सही सेटिंग क्या होता है। अगर आपके पास ओल्ड पेज है तो उस पर कौन सा सेटिंग लगे ताकि मेरा वीडियो वायरल हो जाए, और जो कॉपी पेस्ट करते हैं उन लोगों को कौन सा सेटिंग लगे ताकि मेरा वीडियो वायरल हो जाए, आज इसी के बारे में आप लोगों को बात करने वाला हूं। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर जितना भी आपका डाउट है टोटल का टोटल मैं डाउट क्लियर करना हूं। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, डिटेल में समझने के लिए मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग को ऑन कर दिया हूं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद फेसबुक का जो बड़ा ऐप होता है उसको खोल लीजिएगा। जैसे ही फेसबुक का बड़ा ऐप खोलने के बाद आप लोग इसमें थ्री डॉट पर क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही थ्री डॉट पर क्लिक करने के बाद आप लोग नीचे की ओर जाइएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को सिंपली एक फेसबुक पेज का ऑप्शन आप लोगों को मिलेगा। पेज वाला पर सिंपली आप लोगों को क्लिक कर देना है। देखिए, इंपोर्टेंट सेटिंग मैं आप लोग को आगे बताऊंगा, सबसे पहले आप लोग पेज को किस प्रकार क्रिएट किया जाता है वो आप लोग सीख लीजिए, ठीक है। जैसे ही आप लोग पेज वाला ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ देखिए क्रिएट वाला ऑप्शन आप लोग को देखने को मिल रहा होगा। एक फेसबुक आईडी से आप लोग कितना फेसबुक पेज बना सकते हैं, कितना फेसबुक पे आउट बना सकते हैं, ये सब मैं आप लोग का डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो सिंपली क्रिएट ए पेज पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्रिएट ए पेज पर आप लोग क्लिक कीजिएगा, तो नीचे की ओर आप लोग को एक गेट स्टार्टेड का ऑप्शन आप लोग को देखने को मिलेगा। देखिए भैया, अगर आप लोग को फेसबुक पेज बनाना आता है तो 2024 में बहुत सारे ऐसे नियम चेंज हुए हैं जो आप लोग को नहीं पता है, आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग गेट स्टार्टेड पे क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ से आपको अपना फेसबुक पेज का नाम चूज करना है। तो देखिए भैया, आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, ठीक है, आप लोग गलत क्या करते हैं आप। तो देखिए भैया, आप लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हो और गलत गलत नाम चूज कर लेते हो। देखिए, अगर आप फेसबुक पेज पे फनी वीडियो अपलोड करोगे तो जो आपको कीवर्ड होता है लास्ट में, जो आप लोग फनी वर्ड आप लोग यूज करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप लोग ब्लॉग वीडियो अपलोड कर रहे हो तो आप लोग को जो लास्ट में जो आप लोग को नाम डालिएगा फेसबुक पेज का नाम, उसमें आप लोग को ब्लॉग लिखना बहुत ही जरूरी होता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा आप लोग गलती क्या करते हैं, सबसे ज्यादा आप लोग कंफ्यूज कहां पे होते हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरा नाम गुड्डू है, ठीक है, और मैं फनी वीडियो डाल रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपना जो गुड्डू है तो गुड्डू में अपना मान लीजिए मैं अपना यहाँ पे गुड्डू डाल देता हूँ, ठीक है, और मैं फनी वीडियो डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अपने पेज का नाम गुड्डू फनी, ठीक है, और मैं अभी ब्लॉग वीडियो डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं, तो आप लोग जिस टाइप का वीडियो डाल रहे हैं उस टाइप का आप लोग कीवर्ड अपने पेज के नाम के लास्ट में आप लोग डाल सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपका वीडियो रैंक करता है, आपको वीडियो वायरल होने का पूरा फुल चांस होता है। तो दोस्तों, आप लोग कीवर्ड्स का यूज नहीं करते हैं तो फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि हम किस ऑडियंस के पास भेजना है। इसलिए कीवर्ड्स अपने फेसबुक के पेज के नाम के लास्ट में लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही जरूरी होता है। आप लोग यहाँ गलती मत कीजिएगा, अगर यहाँ पे आप लोग गलती कीजिएगा तो आपका वीडियो रैंक में नहीं आएगा, आपका वीडियो वायरल कभी नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो ये गलती आप लोग को भूल करना है और यहाँ से कर देना है नेक्स्ट। और नेक्स्ट करने के बाद से आप लोग को एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ भी होता है, आप लोग जो फेसबुक पेज बनाते हैं उस पेज को यूनिक नाम रखना चाहिए। मान लीजिए अगर कोई फेसबुक पेज आप लोग बना रहे हो और किसी से मिलता जुलता हो रहा है तो आपको लास्ट में जाके आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए आप लोग जो फेसबुक पेज बना रहे हैं उसका कुछ यूनिक नाम रखिए ताकि, तो दोस्तों यहां से आता है आप लोगों को कैटेगरी चूज करने के लिए। यहां से आप लोग ऑल कैटेगरी चूज कर लीजिएगा तो आप लोग को ऑल कैटेगरी नहीं मिलेगा, आप लोग जो वीडियो डाल रहे हैं उस कैटेगरी को आप लोग यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो हम यहां पे फनी वीडियो डाल रहा हूं, ठीक है, तो यहां पे हम कॉमेडी लिखूंगा तो सिंपली आप लोग को यहां पे कॉमेडी आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली आप लोग को क्रिएट पर क्लिक कर देना है। सिंपली क्रिएट पर क्लिक करने के बाद से आप लोग को बायो पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है और क्लिक करने के बाद से आप लोग को अपने बायो पर चले जाना है। और बायो पर जाने के बाद आप लोगों को अपने बारे में नहीं लिखना है, इसमें फेसबुक के बारे में लिखना है, मतलब किस रिलेटेड से आप लोग वीडियो डाल रहे हैं, कौन सा वीडियो डाल रहे हैं वो आप लोग को बताना है फेसबुक से, उसी को आप लोग इसमें लिखकर और आप लोग अपलोड कर देना है। तो चलिए, मैं आ गया हूं अपना कंटेंट इन्फॉर्मेशन में। और कंटेंट इन्फॉर्मेशन में आने के बाद अगर आपके पास कोई वेबसाइट है, जैसे मान लीजिए अगर यूट्यूब की वेबसाइट है चाहे आपका फेसबुक का वेबसाइट है, तो आप लोग इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं आपका मेल आईडी में। अगर आपके पास कोई मेल आईडी है तो अपने अपना इसमें मेल आईडी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं अपना मेल आईडी अटैच कर रहा हूं। यहाँ आपका खोजेगा फोन नंबर, अगर आपके पास फोन नंबर है तो आप लोग डाल सकते हैं, अगर आपके पास फोन नंबर नहीं है तो आप लोग नहीं भी डाल सकते हैं। लेकिन आपका जो ईमेल आईडी है, आप लोग को इसमें ईमेल आईडी डालना बहुत ही जरूरी है। जो आप लोग ईमेल आईडी डालिएगा वो एक्टिव होना चाहिए। अगर मान लीजिए इसमें कोई जो फेसबुक की तरफ से इसमें ईमेल उमेल आता है तो आप लोगों के लिए ईमेल आईडी डालना बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही जरूरी। तो आप लोग ईमेल आईडी डालना मत भूलिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए, यहाँ सब आएगा आपका एड्रेस, तो आपको अपना एड्रेस फुल कर लेना है। और एड्रेस फुल करने के बाद से अब आप लोगों को यहां से आएगा पोस्ट कोड। तो भैया बोलिएगा, आप लोग पोस्ट कोड क्या होता है, इसमें क्या भरना है? तो सिंपली दोस्तों, आप लोग को पोस्ट कोड में कुछ नहीं भरना है, सिंपली अपना जो आपका पिन कोड होता है वो सिंपली आपको इसमें फिलअप कर देना है। तो जैसे मान लीजिए मेरा पिन कोड है 84 14 36, तो मैंने अपना इसमें 84 14 36 फिल कर ले रहा हूं। और पिन कोड फिल करने के बाद से अब आप लोगों को आएगा यहाँ पे आवर्स। ये आवर्स सिर्फ बिजनेस वाले को लिए होता है, ठीक है दोस्तों, जो बिजनेस वाले होते हैं उन्हीं के लिए ये सिर्फ आवर्स के लिए होता है। तो सबसे पहले इसमें क्या करिएगा, इसमें नो आवर्स सिंपली आप लोग को नो आवर्स पे क्लिक कर देना है, ठीक।
यहाँ से देखिए मेरा फेसबुक पेज क्रिएट हो चुका है। नन्ना भैया ये मत सोचिएगा यहाँ से आप लोग को फेसबुक पेज क्रिएट नहीं हुआ है, यहाँ से सिर्फ 30% काम हुआ है। ठीक है, अभी काम बहुत बाकी, अभी 70% आप लोग को काम करना है। 70% यहाँ से आपको एक फेसबुक कवर फोटो लगा लेना है और फेसबुक प्रोफाइल फोटो लगा लेना। ठीक है दोस्तों, तो मान लीजिए यहाँ से मैं एक अपना प्रोफाइल फोटो लगा लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ क्या कर रहा है, एडिट एक्शन बटन। तो सिंपली दोस्तों यहाँ पे आप लोग एडिट एक्शन बटन पे आप लोग क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग एडिट एक्शन बटन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ट्राई इट पे क्लिक कर देना है और ट्राई इट पे क्लिक करने के बाद से वॉच नाउ पर क्लिक कर देना है। वॉच नाउ पर क्लिक करने के बाद से तो सिंपली दोस्तों सेव हो चुका है। तो यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को कुछ इस प्रकार का आप लोग को इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोग बिजनेस पर्पस के लिए बना रहे हैं तो यहां से आप लोग व्हाट्सएप को अटैच कर सकते हैं, नहीं तो आप लोग एसकीप भी कर सकते हैं। तो यहां से आप लोग को आ जाएगा इनवाइट का ऑप्शन। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्टिंग में क्या कीजिएगा, आप लोग 2, 3 या 10 ID आप लोग बना लीजिएगा और उसमें ढेर सारी दोस्तों को ऐड कर दीजिएगा और सबके पास इनवाइट भेज दीजिएगा। तो देखिए एक बार यहां पे आप लोग सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कीजिएगा और सेंड इनविटेशन पर क्लिक कीजिएगा तो सभी के पास आपका आईडी, आपका पेज, सभी के पास इनवाइट चला जाएगा। और देन आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद से आपको डन पे क्लिक कर देना है और डन पे क्लिक करने के बाद से आपका फेसबुक पेज क्रिएट हो जाएगा। तो भैया अब बोलोगे मेरा फेसबुक पेज तो क्रिएट हो गया है ना बबुआ, अभी तो इसमें बहुत सारा सेटिंग बाकी है जो इसका इंपोर्टेड सेटिंग है अब स्टार्ट होने वाला है। अब मेन जो इसका इंपोर्टेड सेटिंग है वो करना जरूरी है और वो बाकी है अभी। अगर ये आप लोग नहीं कर रहे हो और नहीं कीजिएगा तो आप लोग को बाद में बहुत पछताओगे, आप लोग का वीडियो रैंक नहीं करेगा, आपका पेज रैंक में नहीं आएगा, आपका वीडियो वायरल नहीं होगा। यहां से स्टार्ट टूल पर क्लिक कर दीजिएगा। स्टार्ट टूल पर क्लिक करने के बाद से नेक्स्ट 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 फिर यहां से डन कर दीजिएगा। डन करने के बाद से आप लोगों को कुछ इस प्रकार का आप लोगों को एक इंटरफेस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो भैया आप लोगों के एक मन में डाउट होता है कि एक आईडी से कितना पेज बना सकते हैं, तो दोस्तों आज उसी डाउट को मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। तो दोस्तों एक आईडी से आप लोग 2, 3, 4, 10, 12, 15, 20, 50 और जितना भी आप लोग आईडी बनाना चाहते हो आप लोग बना सकते हो, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं, एक आईडी से आप लोग एक ही आईडी बनाइएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं इसका इंपोर्टेंट सेटिंग का। तो दोस्तों आप लोग इंपोर्टेंट सेटिंग करना बहुत ही जरूरी होता है, अगर आप लोग इंपोर्टेंट सेटिंग नहीं करते हैं तो आपका वीडियो वायरल कभी नहीं होगा, जो आपका पेज होता है वो कभी रैंक में नहीं आएगा और आप लोग जो वीडियो डालोगे उस वीडियो में 2, 3, 5, 10, 50 ऐसे ही व्यू आएगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा आपको, आपका जो मेहनत, जितना मेहनत है वो पूरा पानी में चला जाएगा। इसलिए दोस्तों ये सेटिंग करना बहुत ही जरूरी होता है, आप लोग इस सेटिंग को एकदम जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आप लोग देख सकते हैं मेरा अभी पेज का जो हेल्थ है अभी गुड दिखा रहा है। ठीक है, अब गुड दिखा रहा है, हमको इसको एक्सलेंट बनाना है। ठीक है दोस्तों, अब एक्सलेंट बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा। 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे एक एडिट वाला बटन आप लोग को मिल जाएगा। एडिट वाला बटन पे आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोग को यहाँ से आप लोग को बायो में जाना है। बायो में जाने के बाद आप लोग को यहाँ पे पूरा फुल आप लोग को अपडेट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं आपको जितना आप लोग यहाँ पे फिलअप किया है पूरा आप लोग को फुल अपडेट आप लोग को देखने को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ से आप लोग कुछ ऐसे सेटिंग आप लोग नहीं कर पाते हैं जिस वजह से आपका वीडियो रैंक में नहीं होता, आपका वीडियो वायरल नहीं होता है और आप लोग बोलते हो मेरा वीडियो वायरल नहीं हो रहा है, मेरा वीडियो रैंक नहीं कर रहा है। तो वीडियो अगर आप लोग को पसंद आए तो हमारे पेज पर नए तो पेज को फॉलो कर दीजिए और हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो आप लोग अच्छा लगे तो एक छोटा सा प्यार आप लोग को कमेंट कर दीजिएगा ताकि मेरा हौसला बढ़े। और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।